सबास बेस्ट क्लासेस में हम आज आपको अंबाड़े की बगारी भाजी बनाना बता रहे हैं। तो चलिए हम इसे बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हम लेंगे फ्रेश अंबाड़े की 1/2 किलो भाजी। और इसको देखिए, मैंने इस तरह से पत्ते पत्ते तोड़ लिए हैं और धो लिया है। धोकर हमने इसे उबलते हुए पानी में डाल दिया। इसे हम उबाल लेंगे। इसके पत्ते नर्म होने तक आप इसे उबाल लीजिए। देखिए इस तरह से, जब इसके पत्ते नर्म हो जाएंगे काफ़ी, तब हम इसे छान लेंगे और इसकी जो नीचे की खटाई है यानी पानी है उसे निकाल लेंगे और हम इसे दूसरे भगोने में डाल देंगे छान कर। फिर हम इसमें हरी मिर्च, कोतमीर और लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। मैंने 6-7 हरी मिर्चें, 8-10 लहसुन और थोड़ी सी कोतमीर को पीस लिया था मोटा मोटा, और मैंने इसमें इसे ऐड कर दिया। इसे अब घोटते हुए पका लीजिए। इस तरह से मैश भी करते रहिए और पका लीजिए। अब देखिए, 1 टीस्पून अदरक लहसुन पेस्ट मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। फिर हल्दी डाल दीजिए 1/2 टीस्पून और इसे फिर से पकाइए। अब देखिए, मैं मूंगफली के 1 कप बीजों को भून रही हूँ। इसे ज़्यादा ना भूनिए, बस कच्चा पक्का ही भूनिए और इसका छिलका उतार कर रख लीजिए। देखिए मैंने छिलका उतारा और फिर इसे मोटा मोटा कूट लीजिए। बस हमें इसे आधे आधे टुकड़ों तक ही कूटना है और फिर हम इसे भाजी को पका लेंगे। और पकाते वक्त हमें इसमें मूंगफली के बीज डालने हैं। पहले मैं नमक डाल दूंगी। टेस्ट के हिसाब से आप नमक डाल दीजिए या करीब 1 टीस्पून नमक डालकर इसे पका लीजिए। पकते वक्त आप इसमें मूंगफली के बीज ऐड कर दीजिए और फिर से इसे पकाइए। मूंगफली के बीज डालने के बाद भी हमें इसे अच्छी तरह से पकाना है। ये भाजी गर्मियों में बहुत अच्छी लगती है। अब देखिए हम इसे बघारते हैं। इसके लिए मैंने जीरा लिया 1 टीस्पून और ये कड़ी पत्ते हैं, उसके बाद मैंने ये सूखी लाल मिर्चें ली और ये देखिए लहसुन की कलियां हैं 15-16। और इस अब हम तेल गरम करते हैं। करीब 1/2 कप तेल गरम किया मैंने और उसमें मैंने फिर जीरा डाल दिया और लहसुन की कलियाँ डाल दी। इसे अब अच्छी तरह से फ्राई होने दीजिए। जीरे को भी बिल्कुल डार्क ब्राउन होने दीजिए, लहसुन को भी ब्राउन होने दीजिए। और फिर मैंने इसमें लाल सूखी मिर्चें भी ऐड कर दी। ये सारी चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से डार्क ब्राउन होने दीजिए, तभी इसका टेस्ट आएगा। फिर उसके बाद मैंने इसमें कड़ी पत्ते डाल दिए। इसे अच्छी तरह से फ्राई होने दीजिए सभी चीज़ों को और फिर हम इसमें भाजी डाल देंगे। इस भाजी को आप कढ़ाई में डाल दीजिए और इसे थोड़ा सा पका लीजिए और अब गैस बंद कर दीजिए। तो देखिए हमारी ये भाजी तैयार हो गई है। आप इसे चावल या रोटी के साथ सर्व कीजिए। गर्मा के दिनों में ये खट्टी भाजी बहुत ही अच्छी लगती है, तो आप इसे घर पर ज़रूर ट्राई कीजिए और अपने रोज़ के मेन्यू में इसे ऐड कीजिए। और हाँ, हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू।